हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज हमारे किचन में बहुत ही हेल्दी, टेस्टी और चटपटा नमकीन बन के तैयार होगा, वो भी बहुत ही कम बजट में, जिसे हम महीने भर स्टोर करके खा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आपसे रिक्वेस्ट है, आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, रेसिपी बनाना शुरू करते हैं। हमने ले लिया है मुरमुरा, बिल्कुल एकदम फ्रेश मुरमुरा है। तो देखिए, थोड़ा सा इसको छूने में, हाथ में थोड़ा सा ये डस्ट जैसे आ रहा है, तो इसको मैं एक होल वाली थाली ली हूँ, जिससे अच्छे से छान लूँगी, जिससे जो भी इसका चूरा रहेगा वो निकल जाएगा। इसे हमें अच्छे से बीन लेना है, ताकि इसमें कोई जला हुआ मुरमुरा ना रहे। तो ये देखिए, थोड़े बहुत निकले हैं डस्ट, तो हमें अच्छे से इसको निकाल लेना है। तो मैंने इसको अच्छे से छान लिया है। अब चलते हैं अपनी गैस की तरफ, इसे बहुत चटकेदार और मज़ेदार टेस्टी बनाने के लिए। हाँ, मैंने गैस पर कढ़ाई रख लिया है और इसमें मैं 2 चम्मच सरसों का तेल डाल दूंगी। ये देखिए, आप चाहें तो यहाँ रिफाइंड तेल, घी, जो आपको पसंद हो वो डाल सकते हैं। अब हमारा तेल गर्म हो गया, तो इसमें मैं ये 100 ग्राम मूँगफली ली हूँ, इसमें डाल दूँगी और अच्छे से इसे मीडियम फ्लेम पर रोस्ट कर लेना है। फ्रेंड्स, अगर जो आपको ज़्यादा मुरमुरा बनाना है तो आप ज़्यादा मूंगफली का इस्तेमाल कर सकते हैं, अगर जो आपको ज़्यादा मूंगफली खाना पसंद हो तो। मैंने इतना ही लिया है क्योंकि मेरी कढ़ाई भी बहुत छोटी है, तो मैं इसी हिसाब से इसको रोस्ट करूँगी और थोड़ा ही बनाऊँगी, आप चाहें तो ज़्यादा भी बना सकते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, अब हमारी मूँगफली अच्छे से सिक गई है, मैं इसको एक प्लेट में निकाल लेती हूँ। फ्रेंड्स, मूंगफली ऐसा है कि इसमें ज़्यादा तेल नहीं एब्जॉर्ब करता है, इसीलिए मूंगफली को पहले ही रोस्ट कर लेना चाहिए, बाकी चीज़ों से पहले मूंगफली हमने रोस्ट किया है। तो और भी मैंने ये नारियल काट के रखा है, इसको भी मैं डाल दूंगी। आपको जो ड्राई फ्रूट है वो रोस्ट कर सकते हैं, और इसको ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। मैंने यहाँ थोड़ा सा बादाम भी ऐड कर दिया, तो इसको बहुत जल्दी ये रोस्ट हो जाता है। तो बस हल्का सा इसका कलर चेंज होगा, तब तक हमें भून लेना है। तो देखिए फ्रेंड्स, अब ये भी अच्छे से रोस्ट हो गया, इसको निकाल लेती हूँ मैं। अब मैं मखाना रोस्ट कर लूँगी, आप चाहें तो बिना तेल के भी इसे रोस्ट कर सकते हैं। मैंने बहुत थोड़ा सा इसमें तेल जो बचा था उसी में रोस्ट कर लूँगी। कुछ लोगों को तेल नहीं पसंद होता है तो ऐसे ही रोस्ट कर लेते हैं, तो आपकी मर्ज़ी, आप ऐसे ही रोस्ट करना चाहते हैं तो करिए, नहीं तो थोड़ा सा घी तेल में कर लीजिए। और ये देखिए, जितना हमारा तेल बचा था मखाना सारा एब्जॉर्ब कर लिया, तो हमें इसीलिए इसको लास्ट में भूनना चाहिए, अगर जो हमें तेल या घी में भूनना है तो, नहीं तो ये पूरा एब्जॉर्ब कर लेता है। देखिए, अब बिल्कुल इसमें तेल कुछ पता ही नहीं चल रहा है। तो अब हमारा मखाना भी अच्छे से रोस्ट हो गया है, इसे भी मैं निकाल लेती हूँ। तो अब मैं इसमें 1 चम्मच और मैं तेल डाल दूँगी, ये देखिए बहुत थोड़ा सा तेल है। अब मैं इसमें हींग डाल दूंगी, थोड़ा सा आपको हींग पसंद है तो हींग ज़रूर डालिए, और इसमें 1/2 चम्मच जीरा डाल दूंगी। एक चम्मच सौंफ मैं डाल दूंगी और 1 चम्मच साबुत धनिया डाल दूंगी, और इनको थोड़ा सा भून लेना है ऐसे चलाते हुए। अब मैं डाल दूंगी ये करी पत्ता है, और इसको डालते ही तुरंत मैं ढक दूंगी, नहीं तो इसमें से बहुत ज़्यादा ये चटकता है। मैं ऐड कर दूंगी ये हल्दी पाउडर है, इससे कलर बहुत अच्छा आएगा, तो इसको मिक्स कर लेना है। अब ये जो हमारा मुरमुरा है इसमें डाल देना है, ये देखिए, देखिए पूरी कढ़ाई एकदम भर गई, और इसको बहुत आराम आराम से ऐसे ऊपर नीचे करके चलाना है, नहीं तो हमारा मुरमुरा नीचे से पकड़ लेगा। फ्रेंड्स, हमें तब तक इसको रोस्ट करना है जब तक इसमें थोड़ा हल्कापन नहीं आ जाए, ये दबाने पर अच्छे से क्रिस्पी हो जाए, तब तक हमें इसे धीमी आंच पर एकदम चलाते हुए भूनना है। अगर जो आपका मुरमुरा एकदम खस्ता नहीं है, बहुत पिचका पिचका लगता है खाने में, तो ज़्यादा टाइम लगेगा इसको रोस्ट करने में, लेकिन अगर जो आपका मुरमुरा फ्रेश है तो बिल्कुल टाइम नहीं लगेगा इसको रोस्ट करने में। तो देखिए, अब हमारा मुरमुरा रोस्ट हो गया है, मैं इसको एक बड़े थाली में, एक थाली में ये सारा मुरमुरा निकाल लिया, देखिए कितना अच्छा लग रहा है देखने में। और ये जो हमारी मूंगफली है, इसमें मैं एक मसाला डालूंगी जो मुरमुरा मसाला है, आप इसे मार्केट में इजली खरीद सकते हैं, तो इससे टेस्ट बहुत अच्छा आता है। अगर जो आपके पास नहीं है
मुरमुरा मसाला, तो आप मैगी मसाला भी डाल सकते हैं जिससे टेस्ट बहुत अच्छा आएगा। तो ये मूंगफली में अभी तेल लगा हुआ है जिससे हमारे मसाले अच्छे से चिपक जाएंगे, कहीं नहीं जाएंगे। देखिए मसाले मूंगफली में अच्छे से कोट हो गए, अब मैं इसमें ऐड कर दूँगी। और ये जो मखाने हैं इसमें भी बचा हुआ मसाला जो है इसमें अच्छे से हाथ से कोट करके इसमें मैं ऐड कर दूँगी। ये देखिए अच्छे से इसमें भी कोट हो गया हमारा मसाला, तो इसमें डाल देती हूँ और ये ड्राई फ्रूट भी डाल देती हूँ और इसको हाथों से अच्छे से मिक्स कर लूँगी मैं। फ्रेंड्स बहुत ही टेस्टी ये हमारा मुरमुरा बन के तैयार होता है। आप चाहें तो इसे बना के और महीने भर स्टोर करके इसको खा सकते हैं। फ्रेंड्स इसमें नमक अकॉर्डिंग टू टेस्ट ध्यान रहे, हमारे मुरमुरा में भी थोड़ा नमक होता है तो उसी हिसाब से डालना है और इसको भी अच्छे से मिक्स कर लेना है। ये देखिए, तो फ्रेंड्स देखिए अब हमारा मुरमुरा एकदम बिल्कुल तैयार हो गया है। आप चाहें तो इसमें मिर्च का पाउडर भी डाल सकते हैं, हरी मिर्च अगर जो डालेंगे तो हमारा मुरमुरा ज़्यादा दिन तक स्टोर नहीं हो पाएगा, तो मैंने यहाँ मिर्च नहीं डाला है क्योंकि जो मुरमुरा मसाला होता है उसे मिर्च और सारे चटपटे मसालों को मिला के बनाया जाता है, इसीलिए मैंने इसे नॉर्मल तीखा रखा है। अगर जो आपको ज़्यादा तीखा खाना पसंद हो तो आप तड़के में ही थोड़ा सा लाल मिर्च पाउडर ऐड कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स इसे मार्केट वाला लुक देके मैं आपको सर्व करके दिखाती हूँ। तो फ्रेंड्स देखिए मैंने यहाँ बेसन का जो मोटा वाला नमकीन सेव होता है उसको थोड़ा सा मैं इसमें ऐड कर दी हूँ ताकि ये एकदम बिल्कुल मार्केट वाला लुक आ जाए। तो फ्रेंड्स मेरे ये मुरमुरे की रेसिपी आपको पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करिएगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।